हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 12 फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 9, जिसका नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इस पूरे चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। अब देखिए, ये वीडियो इतना ज्यादा स्पेशल क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में हम किरण प्रकाशिकी चैप्टर के बहुविकल्पीय से लेकर विस्तृत उत्तरीय तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सबको हम विथ आंसर पढ़ेंगे। आप सभी को पता है कि आपके फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, इसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न और एटलीस्ट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर के इन सभी को एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे, फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर लघु उत्तरीय प्रश्न और फिर विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और आप सभी को पता है कि जो किरण प्रकाशिकी चैप्टर है, ये हमारे फिजिक्स का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है और सबसे ज्यादा नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से आते हैं। तो ले लीजिए कॉपी और पेन और बैठ जाइए हमारे साथ, क्योंकि अब की बार हमें बनना है टॉपर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किरण प्रकाशिकी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा है बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, इसमें मैंने टोटल 10 क्वेश्चंस को लिया है, यानी कि किरण प्रकाश की चैप्टर में 10 ऐसे बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हमेशा आते हैं। तो भैया इस बार भी चांसेस है कि इनमें से कुछ क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा जो ध्यान देने वाली बात है, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, लघु उत्तरीय प्रश्न, क्योंकि जो लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं भैया, आधा नंबर होता है वो लघु उत्तरीय प्रश्नों का ही होता है, यानी कि 70 में से लगभग 35 नंबर के सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। तो लघु उत्तरीय प्रश्नों पर हमें विशेष कर ध्यान देना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम है, यानी कि किस रंग के प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी सबसे ज्यादा होती है, मैक्सिमम होती है। ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, फर्स्ट है नीले प्रकाश के लिए, सेकंड है हरे प्रकाश के लिए, थर्ड है पीले प्रकाश के लिए और फोर्थ है लाल प्रकाश के लिए। तो देखिए लाल प्रकाश के लिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। ये आप हाई स्कूल से ही पढ़ते आ रहे हैं, कोई नया टॉपिक ये नहीं है। लेकिन भैया इसमें हमें दर्पण, दूरदर्शी, नेत्र, इन्हीं सब के बारे में पढ़ना होता है हमें इस चैप्टर में, लेंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी लाल रंग के प्रकाश के लिए मैक्सिमम होती है। ठीक, दिमाग में नोट करके चलिएगा, सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। अभी आगे बहुत कुछ हमें सीखना है, ये तो बस ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देखिए भैया, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड है, 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी। मतलब हमें पता है भैया प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ठीक, उसके बाद में 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल कितनी होगी, तो यहां पर एक फॉर्मूला लगाना होगा। देखिए न्यूमेरिकल छोटा सा है और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे दिया गया है, अब यहां पर तो आपको दिमाग लगाना ही होगा। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे लगाएंगे, हमें क्या क्या दिया गया है, वायु में प्रकाश की चाल दी गई है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं सी से। ठीक है, सी कितना दिया गया है, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, उसके बाद हमें अपवर्तनांक दिया गया है, अपवर्तनांक को हम लोग डिनोट करते हैं एन से, ये हमें दिया गया है स्टूडेंट कितना, देखिए 1.5। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, हमें निकालना है v, क्या निकालना है हमें v, कैसे निकालोगे, तो इसका एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट। अभी देखिए इन चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन हमारे आंसर में आएगा वही ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो अगर आपको देखिए न्यूमेरिकल छोटे छोटे भी हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दिए जाते हैं, तो मैंने बताया फॉर्मूला याद कर लीजिए, क्योंकि फिजिक्स में न्यूमेरिकल के आते हैं लगभग 15-20 नंबर के। ठीक, तो न्यूमेरिकल लगाना बहुत जरूरी है, मस्ट। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे बताओ, तो v इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है, v इक्वल टू c अपान n, c अपान n, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, c
सी अपान एन। अब हम करेंगे क्या, कुछ करना नहीं है भैया, सी कितना है 3 × 10^8 है हमारा ये, एन कितना है 1.5। देखिए 3 को जब आप 1.5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो v इक्वल टू हमारा आ जाएगा कितना आ गया, ध्यान दीजिए थोड़ा सा यहाँ पे, यहाँ पर आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 2 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, वेग का मात्रक भी यही है, ठीक है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट है 2.5 × 10^8 मीटर पर सेकंड, सेकंड ऑप्शन है 2 × 10^8 मीटर पर सेकंड, तो हमें सही आंसर तो मिल गया, ये सेकंड वाला ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक, 2 × 10^8 मीटर पर सेकंड। मैं आपको डायरेक्टली भी बता सकता था भैया वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10^8 मीटर पर सेकंड है, तो 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10^8 मीटर पर सेकंड होगी, लेकिन सिर्फ बताने से नहीं होगा, जब तक आपके समझ में नहीं आएगा मेरे बताने का और मेरे समझाने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो जब तक हम दिमाग में नहीं ठोकेंगे तब तक भैया छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, और आप सभी को टॉपर बनाकर रहेंगे। तो ऐसे फॉर्मूला लगाइए, देखिए हमारा आंसर आ चुका है, ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, ये भी एक छोटा सा न्यूमेरिकल है, इसको समझना है हमें, ठीक है। देखिए 4 डायोप्टर और -2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो पहले हमें एक चीज पता है, आप लोग जानते हैं, देखिए हमें 2 क्षमता दी गई है, P1 हमें दिया गया है 4 डायोप्टर, ठीक है, और P2 हमें दिया गया है -2 डायोप्टर, कितना दिया गया है -2 डायोप्टर, ठीक है। आपको कहा गया जा रहा है कि ये दोनों लेंस संपर्क में रखे हैं, तो संपर्क में रखे लेंसों की जो क्षमता का फॉर्मूला होता है वो होता है P = ठीक है, P = P1 + P2, ठीक, इतना समझ में आया। यहां से हम P निकाल लेंगे, P = देखिए P1 की वैल्यू कितनी है, P1 की वैल्यू है 4, P2 की वैल्यू है -2, तो देखिए ये -2 हो जाएगा, मतलब प्लस लिखकर -2 लिखेंगे फिर इतना ही आएगा, इतना तो आप समझ सकते हैं, ठीक है। अब P यहां से हमारा आ जाएगा भैया कितना, 2 डायोप्टर, कितना आया 2 डायोप्टर, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है, तो कैसे निकालोगे बताओ। देखिए संयुक्त लेंस की क्षमता हमने निकाल ली, अब यहां से हम क्या करेंगे, फोकस दूरी यहां से हम निकाल लेंगे, ठीक है, कैसे निकालेंगे देखिए, इतना समझ में आया। अब हमें पता है कि P = होता है 1/F, ठीक है, 1/F, ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, F इधर जाएगा, तो F = हो जाएगा 1/P, ठीक है, P हमारा इधर आएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। देखिए P = 1/F होता है, देखिए यहां पर किसमें, हमें सेंटीमीटर में निकालना है, तो हम यहां पर F सेंटीमीटर में लेंगे, मीटर में नहीं लेंगे। तो यहां पर एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये आपका 100/F होगा, कितना होगा 100/F होगा, क्योंकि अगर हम फोकस दूरी सेंटीमीटर में लेंगे तो ऊपर 100 लिखेंगे, अगर फोकस दूरी हम मीटर में लिखेंगे तो ऊपर हम 1 लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर 100/P हो जाएगा, इतना समझ में आया। अब यहां से हम फोकस दूरी निकाल लेंगे, देखिए 100 हमारा है, P कितना दिया गया है, देखिए P हमारा है 2 डायोप्टर, 2 लिखेंगे, इसको कट करेंगे, 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, 50 आएगा, तो F = हमारा आ गया 50 सेंटीमीटर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 इज एब्सोल्युटली राइट, तो ये 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक, समझ में आ गया। तो इसको भी आप लोग नोट कीजिए, बहुत आसानी से मैंने बताया, P1 P2 दिया गया था, हमने संयुक्त लेंस की क्षमता निकाल ली और क्षमता से हमने फोकस दूरी निकाल ली, बस हो गया, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग याद रखिएगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये वाला, ठीक, समझ में आ गया इतनी चीजें, तो इसको आप लोग नोट कीजिए। फिर हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सिंपल सा है, अभी मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया, वही फॉर्मूला यहां पर भी अप्लाई करना है। कौन सा क्वेश्चन है, देखिए 2 लेंस जिनकी शक्तियां का मतलब क्षमता, भाई हमारे अंदर जितनी शक्ति होगी उतनी ज्यादा हमारी कैपेसिटी होगी, दोनों सेम ही है, चाहे आप शक्ति कहें या क्षमता कहें, ठीक है। तो देखिए 2 लेंस जिनकी शक्तियां 4 डायोप्टर तथा -2 डायोप्टर हैं, संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की शक्ति क्या होगी, तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए, P1 हमें दिया गया है 4 डायोप्टर, P2
P2 हमें दिया गया है -2 डायोप्टर, ठीक है, -2D। अब दोनों को जोड़ दीजिए, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है, P = P1 + P2। अब P1 की वैल्यू कितनी है, 4, ठीक है, P1 की वैल्यू है 4 और -2 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 डायोप्टर, ये हमारी क्षमता हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें सेकेंड वाला ऑप्शन सही होगा। देखिए यहां पर जो ये ओ लिखा है भैया, ये डी है, ठीक है, गलती से लिख गया है, तो ये आपका सेकेंड वाला ऑप्शन इज एब्सोल्युटली राइट, ठीक, सेकेंड ऑप्शन सही होगा। तो कुछ करना नहीं है, संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी थी, P1 P2 दिया गया था, दोनों को जोड़ दो आ जाएगा, बस ये फॉर्मूला होता है। अगर आपको संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है तो P = P1 + P2, अगर आपको संयुक्त लेंस की फोकस दूरी निकालनी है तो 1/F = 1/F1 + 1/F2, सिंपल सा है। मतलब आगे मैं बताऊंगा, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो अभी इस चैप्टर को पढ़े नहीं होंगे, लेकिन फिर भी ऐसे समझाऊंगा कि सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में से किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होगा, यानी कि इनमें से कौन सा रंग है जिसको अगर हम प्रिज्म से गुजारें तो उसका विचलन सबसे ज्यादा होगा। ठीक, ये कहने का मतलब है, तो फर्स्ट है लाल रंग, सेकंड है बैगनी रंग, थर्ड है नीला रंग, फोर्थ है हरा रंग। तो भैया बैगनी रंग जो होता है वायलेट कलर, ठीक है, प्रिज्म से गुजरने पर इनमें से जो बैगनी रंग होगा इसके प्रकाश का विचलन सबसे अधिकतम होगा, मैक्सिमम होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सेकंड इज राइट। ठीक, तो इसको भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी क्वेश्चन मैं बता रहा हूं भैया, सारे के सारे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझिएगा। ज्यादा से ज्यादा मैं आपको पूरी तरह से एकदम समझाने का प्रयास करता हूं ताकि कोई भी क्वेश्चन ऐसा ना रहे जो आपके समझ में ना आए। ठीक है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, प्रकाशिक तंतु में निम्न में से प्रकाश के किस गुण का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं प्रकाशिक तंतु। ठीक है, इसमें जो है निम्न में से प्रकाश के किस गुण का उपयोग किया जाता है। ठीक, देखिए फर्स्ट है व्यतिकरण, सेकंड है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, थर्ड है विवर्तन, फोर्थ है परकीर्णन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ठीक, तो ये प्रकाशिक तंतु में निम्न में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का प्रयोग किया जाता है, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं। ठीक, बस हो गया, सिंपल सा है। तो ये सब क्वेश्चंस है, अब देखिए न्यूमेरिकल 2-3 आए, छोटे छोटे क्वेश्चन भी होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो क्वेश्चन ही ज्यादातर रहेंगे, बट न्यूमेरिकल को भी एज अ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया जाता है, अभी मैंने आपको बताया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, जो एकदम स्वस्थ नेत्र होता है, सामान्य नेत्र, उसके लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। देखिए जिसमें कोई दोष ना हो, जिसमें दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष ना हो, तो एक स्वस्थ नेत्र जो होता है, एक सामान्य नेत्र जो होता है, इसके लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, फर्स्ट है अनंत, सेकंड है 50 सेंटीमीटर, थर्ड है 25 सेंटीमीटर, फोर्थ है 75 सेंटीमीटर। तो सामान्य नेत्र के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, दैट्स अ सिंपल क्वेश्चन। ठीक, तो ये तो आप हाई स्कूल में भी पढ़े होंगे, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ठीक, अब पढ़े होंगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो हाई स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़े हैं, चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं, तो भैया उनके लिए कोई जड़ी बोटी तो है नहीं कि मैं आपको दे दूंगा और तुरंत आ जाएगा, क्योंकि ये समझना होगा। इसमें अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आपको समझने होंगे। फुल कॉन्सेंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर रखिए, क्योंकि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन व्हिच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड, यानी कि जो एजुकेशन है ये एक ऐसा शस्त्र है जिसका प्रयोग आप इस संसार को बदलने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एजुकेशन के द्वारा आप गरीब से गरीब भी आज एजुकेटेड होकर बड़ी से बड़ी कंपनी का मालिक है। ठीक है, तो आपको भी पढ़ाई करना होगा भैया, क्योंकि गरीब पैदा होना बुरी बात नहीं है, गरीब रहकर मर जाना ये बुरी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है भैया, नेत्र लेंस की प्रकृति होती है, जो हमारा नेत्र है इसमें जो लेंस है ये किस प्रकृति की होती है। ठीक, फर्स्ट है अभिसारी, सेकंड है अपसारी, थर्ड है अपसारी और अपसारी दोनों, और फोर्थ है इनमें से कोई नहीं। तो नेत्र लेंस की जो प्रकृति होती है वो अभिसारी होती है, फर्स्ट वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट, यही राइट आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लॉन्ग चैप्टर है, तो भैया इसमें क्वेश्चन भी ज्यादा होंगे, क्योंकि जितने ज्यादा
बड़ा चैप्टर होगा उतने ही ज्यादा क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, समझ में आया। 9 नंबर देखिए, एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि एक प्रकाश किरण है जो भैया वायु से जल में प्रवेश करती है, तो कौन सा इसमें गुण अपरिवर्तित रहेगा। फर्स्ट है वेग, सेकंड आयाम, थर्ड है तरंग दैर्ध्य, फोर्थ है आवृत्ति। तो भैया इसमें जो आपका आवृत्ति होगा ये अपरिवर्तित रहेगा। अगर एक प्रकाश किरण वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसके आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसके फ्रीक्वेंसी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो फोर्थ वाला ऑप्शन एब्सोल्युटली राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। देखिए ये तो मैं बताते हुए जा रहा हूं, अब आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको जो जो क्वेश्चन पता है वो कमेंट करके बता दीजिएगा, सर मुझे इतना पता है, मुझे इतना पता था, मुझे 60% क्वेश्चन आते थे। ठीक है, इससे ये होगा कि आप लोग तैयारी कैसी कर रहे हैं वो मुझे पता चलेगा। ठीक, कि आप लोगों की तैयारी कितने लेवल तक हो चुकी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ जाती है, ठीक है, आवृत्त बढ़ जाती है, ना तो तरंग दैर्ध्य तथा ना ही आवृत्त, ना तो तरंग दैर्ध्य तथा ना ही तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। ठीक है, यहां पर बढ़ती है लिख दीजिएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तरंग दैर्ध्य कम हो जाती है। यानी कि अगर एक प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करेगी तो उसका वेवलेंथ जो होगा वो कम हो जाएगा, लेकिन जो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी इसमें नो चेंज, ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये थे 12th फिजिक्स के चैप्टर 9 के टॉप 10 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बहुविकल्पीय प्रश्न। आई होप कि सारे के सारे आपको समझ में आ चुके होंगे। तो बहुविकल्पीय प्रश्न फिनिश होता है, अब इस चैप्टर के अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की बारी है, चलिए उसको भी देखते हैं। अति लघु उत्तरीय प्रश्न हेडिंग रहेगा, देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है और वन लाइनर क्वेश्चन है। भैया अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का मतलब क्या है, चूंकि एक एक नंबर के आते हैं तो इसमें क्वेश्चन छोटे छोटे रहेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, लेकिन इसी अति लघु उत्तरीय में से कुछ क्वेश्चंस आगे ऐसे हैं जो लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी आते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिए क्वेश्चन है क्रांतिक कोण की परिभाषा लिखिए, सिर्फ आपको डेफिनेट करना है क्रांतिक कोण को। ठीक, क्रांतिक कोण क्या होता है, ये सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं हाई स्कूल में। देखिए सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है, बस। ठीक है, ये आपका इतना ही रहेगा, इसको कट कर दीजिए ये। ठीक, मतलब सघन माध्यम में बना हुआ आपतन कोण जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो क्रांतिक कोण कहलाता है, एक लाइन का इसका आंसर है, इसको आपको याद करना होगा। ठीक, समझ में आया, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, वन लाइनर क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर पेपर उठाकर, तो उसमें कई पेपर्स हैं जिसमें ये क्वेश्चन देखा गया है घूमते हुए। ठीक, मतलब क्वेश्चन पेपर में देखिए, उस भौतिक सिद्धांत का नाम लिखो जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। अभी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बताया था कि वो कौन सा भौतिक सिद्धांत है जिस पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है, उसका सिद्धांत आधारित है, तो वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर डिपेंड करता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है जिस पर प्रकाशिक तंतु का कार्य सिद्धांत आधारित है। ठीक, तो ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब देखिए स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन देखिए अभी इसी का फॉर्मूला लगाकर हमने एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व किया था बहुविकल्पीय प्रश्न में। देखिए क्या है, लेंस की क्षमता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। लेंस की क्षमता क्या होती है, देखिए लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, मैंने बताया था लेंस की क्षमता, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसका मात्रक डायोप्टर होता है। मतलब लेंस की क्षमता उसके मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पी से। पी इक्वल टू क्या होगा, 1/ मैंने बताया उसकी क्षमता जो होगी वो उसके मीटर में नापी गई फोकस दूरी जो एफ होती है उसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। ठीक है, तो मीटर में, तो पी इक्वल टू 1/f मीटर में, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा लेंस की क्षमता का। लेकिन अगर मान लीजिए आपका फोकस दूरी सेंटीमीटर में दिया गया है तो आप कैसे निकालोगे लेंस की क्षमता, तो वो होगा पी इक्वल टू फॉर्मूला 100/f। अगर मान लीजिए आपकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में है तो 100/f, अब ये सेंटीमीटर में होगा।
ठीक, मतलब मीटर में अगर फोकस दूरी लिखेंगे तो ऊपर एक लिखना है, सेंटीमीटर में फोकस दूरी लिखेंगे तो ऊपर 100 लिखना है, क्योंकि 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है। ठीक, दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, इसका मात्रक, इसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, सबको पता है, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, डायोप्टर इसे डी से प्रदर्शित करते हैं। वैसे डायोप्टर को तो हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है, डायोप्टर, समझ में आया, तो ये इसका मात्रक होता है, इसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सा है, इसका डेफिनेशन भी बिल्कुल सिंपल है कि लेंस की क्षमता उसकी मीटर में नापी गई फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, बस हो गया, समझ में आ गया, सिंपल सा है, कुछ नहीं भाई। तो ये P इक्वल टू 1/f मीटर में, या फिर P इक्वल टू 100/f सेंटीमीटर में, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये वाला फॉर्मूला है। ठीक, लेकिन अगर मान लीजिए फोकस दूरी सेंटीमीटर में, तो 100/f कर दीजिए, बस हो गया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी एवं क्षमता का सूत्र लिखिए। यानी कि मान लीजिए दो लेंस संपर्क में रखे हैं, तो उनके संयोजन की फोकस दूरी और उनकी क्षमता का सूत्र लिखना है। तो फोकस दूरी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर दो लेंस संपर्क में रखे तो 1/f इक्वल टू होगा 1/f1 प्लस 1/f2, ये इसका फॉर्मूला होगा। अगर दो लेंस संपर्क में रखे हैं तो दो लेंसों के संपर्क में रखे दो लेंसों की फोकस दूरी का फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 होगा। अब चूंकि क्षमता कैसे निकालोगे, चूंकि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, तो इस 1/f के जगह पर P कर देंगे, f1 के जगह पर p1, f2 के जगह पर p2, टिक फॉर्मूले से। तो यहां पर दूसरा फॉर्मूला निकल कर आएगा, संपर्क में रखे दो लेंसों की क्षमता का फॉर्मूला आएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2। ठीक, बस हो गया, ये दूसरा फॉर्मूला निकल कर आ गया। तो पूछा गया था कि संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी, तो ये फोकस दूरी का फॉर्मूला तथा क्षमता का सूत्र लिखिए, ये क्षमता का फॉर्मूला हो चुका है। दैट्स वेरी सिंपल, बस इसी से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएंगे तो आप चुटकियों में सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन कब, जब ये फॉर्मूला आपको याद रहेगा, और इसमें याद करने की कोई बात ही नहीं है, सिंपल सा है, बस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, अब इसी से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ गया। अब फॉर्मूला भैया मैंने अभी अभी बताया है, अब न्यूमेरिकल नहीं लगा पाओगे तो कभी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, और ये जितनी सारी चीजें मैं बता रहा हूं, इन सबको आप पढ़ रहे हो, इसको आपको रिवाइज जरूर करना है, आज पढ़ा कल भूल जाओगे, लेकिन इसको रिवाइज करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन क्या है, दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है संपर्क में रखे हैं, संयुक्त लेंस की क्षमता की गणना कीजिए। देखिए, आपको संयुक्त लेंस की क्षमता निकालनी है, जैसे अभी मैंने फॉर्मूला बताया P इक्वल टू P1 प्लस P2, लेकिन भैया संयुक्त लेंस की क्षमता आप तब निकालेंगे जब दोनों लेंस की क्षमता पता होगा P1 और P2। तो यहां पर देखिए दोनों की फोकस दूरी दी गई है, यहां से हम दोनों लेंस की क्षमता पहले निकाल लेंगे, बस दोनों को जोड़ देंगे, वो संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर हमें दो फोकस दूरी दी गई, देखिए प्रत्येक की फोकस दूरी, यानी कि पहले लेंस की फोकस दूरी को F1 मान लेंगे, दूसरे लेंस की फोकस दूरी को F2 मान लेंगे, दोनों की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर, ऐसे लिख देंगे 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सबसे पहले हम करेंगे क्या, पहले लेंस की क्षमता निकाल लेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे P इक्वल टू 1/f, लेकिन हमें दो लेंस दिए गए हैं तो P1 इक्वल टू, पहले लेंस के लिए हम यूज करेंगे P1। ठीक है, P1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 1/f नहीं रहेगा, यहां पर 100/f लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखिए हमारी जो फोकस दूरी है वो सेंटीमीटर में दी गई है, तो सेंटीमीटर में फोकस दूरी है तो हम ऊपर 100 लिखेंगे, मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो यहां पर F के जगह पर F1 कर देंगे, अब देखिए यहां पर आ जाएगा आपका 100, F1 की वैल्यू है 20, अब देखिए इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 5, तो P1 की वैल्यू हमारी आ गई 5 डायोप्टर। ठीक है, लेंस की क्षमता का ये मात्रक होता है। ठीक है, ऐसे P2 हम निकाल लेंगे, देखिए P2 को निकालना है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा, जो अभी हमने लगाया 100/f2 हो जाएगा। ठीक, अब यहां से हम क्या करेंगे, देखिए P2 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखिए 100/f2 इसको लिख देंगे 100/20, f2 की वैल्यू भी 20 है, इसको कट करेंगे तो p2 की वैल्यू भी हमारी आएगी कितनी, कट करेंगे 5 आएगा, तो ये 5 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो p1 और p2 हमने निकाल लिया, अब संयुक्त लेंस की क्षमता निकालेंगे। ठीक है, तो यहां पर हेडिंग डालेंगे संयुक्त लेंस की
संयुक्त लेंस की क्षमता, ठीक है। अब दोनों क्षमताओं को हम जोड़ देंगे, ये संयुक्त लेंस की क्षमता आ जाएगी, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा P इक्वल टू P1 प्लस P2, ठीक है। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो हमारा आएगा P इक्वल टू, P1 की वैल्यू कितनी है देखिए ध्यान दीजिए, P1 की वैल्यू है 5, P2 की वैल्यू भी है 5, दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा जो P आएगा भैया वो आएगा 10 डायोप्टर, कितना आएगा 10 डायोप्टर, ठीक है। और यही हो जाएगी संयुक्त लेंस की क्षमता, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि दो उत्तल लेंस जिनमें प्रत्येक की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है अगर वो संपर्क में रखें तो संयुक्त लेंस की क्षमता 10 डायोप्टर होगी, ठीक है। समझ में आ गया, तो इसको आप लोग नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्यों इंपॉर्टेंट है पहले इसको समझिए। देखिए ये क्वेश्चन जो है ये एक फॉर्मूला मुझे बताना है, और ये फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले से रिलेटेड न्यूमेरिकल आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। देखिए क्या है, प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र लिखिए, प्रयुक्त प्रतीकों के अर्थ बताइए। देखिए प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र होता है n इक्वल टू, ये फॉर्मूला याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन a प्लस डेल m बाई टू, ठीक है, अपान साइन a बाई टू। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। मतलब क्या है फॉर्मूला कि n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, ठीक है, जहां n है आपका पदार्थ का अपवर्तनांक, ए क्या है, ए है प्रिज्म कोण, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म कोण, ठीक है, और डेल एम क्या है, डेल एम को बोलते हैं हम लोग अल्पतम विचलन कोण, ठीक है, लिख सकते हैं यहां पर अल्पतम विचलन कोण, ठीक है, ये इसका नाम है। तो बस हो गया, प्रयुक्त अर्थ भी बताना था हमने बता दिया, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। आपको क्या किया जाएगा, a की वैल्यू दे दी जाएगी प्रिज्म कोण की, और अल्पतम विचलन कोण की वैल्यू दे दी जाएगी, और आपसे पूछा जाएगा अपवर्तनांक निकालिए, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पन्ना पलट दे भैया, नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण, यहां पर विक्षेपण रहेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं लिख देता हूं साइड में, आप लोग जान जाएंगे, वर्ण विक्षेपण, ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। तो किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का सूत्र लिखिए, बताइए वर्ण विक्षेपण क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है ओमेगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओमेगा से, ओमेगा इक्वल टू होता है एनवी माइनस एनआर अपान एनवाई माइनस वन, ठीक है, एनवी माइनस एनआर अपान एनवाई माइनस वन, ये फॉर्मूला होता है वो किसी प्रकाशिक माध्यम की वर्ण विक्षेपण क्षमता का। देखिए ओमेगा क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता, एनवी क्या है, एनवी का मतलब, एन का मतलब अपवर्तनांक, वी का मतलब वायलेट बैगनी, ठीक है, तो ये बैगनी रंग का अपवर्तनांक है, एन आर का मतलब, आर का मतलब रेड, ये लाल रंग का अपवर्तनांक है, ठीक है, और एन वाई क्या है, येलो, ये पीले रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक होगा, ठीक है। तो ओमेगा इक्वल टू एनवी माइनस एनआर अपान एनवाई माइनस वन, ठीक, समझ में आ गया, तो ये आपका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट करते रहिएगा आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, देखिए उसी फॉर्मूले से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आ गया है, ठीक। देखिए क्या है, किसी पदार्थ के लाल बैगनी तथा पीले रंग के प्रकाश के लिए अपवर्तनांक क्रमशः 1.52, 1.62, देखिए 1 पॉइंट कर दीजिएगा, तथा 1.60 है, पदार्थ की वर्ण विक्षेपण या परिक्षेपण क्षमता ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ के लाल बैगनी तथा पीले प्रकाश के लिए अपवर्तनांक आपको क्रमशः दिए गए हैं, ये लाल वाला है, ये बैगनी है, ये पीला है, ठीक है। अब पदार्थ की वर्ण विक्षेपण क्षमता आपको निकालनी है, विक्षेपण आप सही कर दीजिएगा, तो कैसे निकालोगे,
देखिए यहाँ पर हमें दिया गया ये 1.62 है, ये ध्यान रखिएगा ठीक है। देखिए हम हमें यहाँ पर दिया गया पहले एन आर की वैल्यू दी गई है, लाल रंग के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया गया है कितना है, पहला वाला 1.52 ठीक है। उसके बाद में हमें दी गई है देखिए एन एन वी की वैल्यू दी गई है, ये कितना दिया गया है 1.62। उसके बाद में हमें लास्ट में एन वाई दिया गया है ठीक है, एन वाई ये कितना दिया गया है 1.60। आपको निकालना क्या है, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया, मैं साइड में निकालूंगा ठीक है। देखिए फॉर्मूला बताया मैंने, ओमेगा इक्वल टू होता है एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन ठीक है। इसी पर वैल्यू रख देंगे, देखिए एन वी की वैल्यू कितनी है ये ध्यान दीजिए 1.62 ठीक है, माइनस एन आर की वैल्यू है 1.52 ठीक, अपान एन वाई की वैल्यू है 1.60 माइनस वन ठीक है, माइनस वन आपका फॉर्मूले में है। इसी को सॉल्व कर लेंगे भैया तो ओमेगा इक्वल टू हमारा आ जाएगा, देखिए ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, 1.62 में से 1.52 जाएगा कितना बचेगा 1.10 बचेगा ये ठीक है। देखिए 0.10 ये बचेगा 0.10 क्यों, क्योंकि 1 से 1 कैंसिल और 62 में से 52 जाएगा तो 10 बचेगा ठीक है। नीचे क्या बचेगा 1.60 में से 1 जाएगा तो 0.60 बचेगा, दशमलव से दशमलव कट कर दिया ये आ जाएगा 10/60 में 0 से 0 कैंसिल कर दिया ये आया 1/6। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ओमेगा इक्वल टू हमारा आएगा, ओमेगा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 0.166 और यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूले से एन वी माइनस एन आर अपान एन वाई माइनस वन, ये आपका आंसर आ चुका है ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नंबरिंग पर मत जाइएगा ठीक है, थोड़ा नंबरिंग गलत है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, यानी कि नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, जो हमारी नेत्र है इसकी समंजन क्षमता से क्या तात्पर्य है ठीक। देखिए इसमें दो चार न्यूमेरिकल्स और भी आते हैं जिसको मैं आपको अलग से सॉल्व करवाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि ये अभी स्टार्टिंग है ठीक है, अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए नेत्र की समंजन क्षमता क्या होती है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन करके नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है वो नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। यानी कि नेत्र के अंदर वो कैपेसिटी होती है जिससे हम नजदीक या दूर की वस्तुओं को ठीक है, दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सके ठीक, वही क्षमता जो होती है नेत्र की, वो नेत्र की समंजन क्षमता होती है। एक बार फिर से डेफिनेशन पढ़ते हैं, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन कर नजदीक व दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है, ये डेफिनेशन आपको याद कर लेना है ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 12 नंबर, यानी कि लास्ट क्वेश्चन हमारा अति लघु उत्तरीय में ये होगा ठीक है, 10 नंबर शायद। दूरदर्शी के अभदृश्यक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है, देखिए इस चैप्टर में आपको दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी ये सारी चीजें भी पढ़नी है। तो दूरदर्शी के अभदृश्यक का द्वारक बड़ा क्यों बनाया जाता है, तो इसका भी एक रीजन है, देखिए ध्यान दीजिएगा, दूरदर्शी की विभेदन क्षमता तथा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है। यानी कि दो रीजन से इसके द्वारक को हम बड़ा बनाते हैं, सबसे पहला देखिए दूरदर्शी की विभेदन क्षमता और प्रतिबिंब की तीव्रता को बढ़ाने के लिए अभिदृश्यक का द्वारक बड़ा बनाया जाता है, पहला विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए, दूसरा प्रतिबिंब की तीव्रता बढ़ाने के लिए इसके द्वारक को हम बड़ा बनाते हैं ठीक है। तो ये हमारा अति लघु उत्तरीय प्रश्नों का लास्ट क्वेश्चन था, इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम देखेंगे इस इंपॉर्टेंट चैप्टर के लघु उत्तरीय प्रश्नों को ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट हमारा जो नेक्स्ट है वो है लघु उत्तरीय प्रश्न, यानी कि अब हम जानेंगे कि हमारे चैप्टर 9 जो किरण प्रकाश की है इसमें से कौन कौन से लघु उत्तरीय प्रश्न है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनके चांसेज आपके बोर्ड एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा हैं। देखिए क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म से अल्पतम विचलन कोण 30 डिग्री, प्रिज्म के प्रथम अपवर्तनांक पृष्ठ पर अपवर्तन कोण
30 डिग्री, ठीक है, दोनों दिया गया है। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, मतलब वही वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने अभी बताया था, n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू। देखिए यहाँ पर अल्पतम विचलन कोण भी 30 डिग्री है और अपवर्तन कोण भी या प्रिज्म कोण ये भी हमें 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक हमें निकालना है, ठीक। तो इसको आप लोग बहुत आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ फॉर्मूला, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। देखिए ये क्वेश्चन भी लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के नियम लिखिए, ये भी लघु उत्तरीय प्रश्नों में आता है, इसको आप लोग पढ़ लेंगे। देखिए इसका आंसर मैं इसमें बताने वाला नहीं हूँ, आंसर इसका मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आऊंगा उसमें बताऊंगा। अब देखिए हमारा डायरेक्टली विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि दो ही लघु उत्तरीय प्रश्न आपके इसमें इंपॉर्टेंट हैं। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जो मैंने इस वीडियो में नहीं लिया है, वो मैं आपको अलग से जब किरण प्रकाश की चैप्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न बताऊंगा तो वो मैं लेकर आऊंगा, ठीक, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। देखिए विस्तृत उत्तरीय में कौन सा क्वेश्चन आता है, किसी गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, इसकी सहायता से किसी पतले लेंस की फोकस दूरी के लिए सूत्र 1/f n माइनस 1 1 अपान आर 1 माइनस 1 अपान आर 2 को स्थापित कीजिए। ये डेरिवेशन है जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, ये आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जो इस चैप्टर में एज अ विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है। दूसरा डेरिवेशन देखिए, प्रिज्म के पदार्थ के लिए अपवर्तनांक का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में निगमित कीजिए, यानी कि जो मैंने फॉर्मूला बताया था n इक्वल टू साइन ए प्लस डेल एम बाई टू अपान साइन ए बाई टू, इसको आपका निगमन करना है, इसको प्रूफ करना है कि आखिर ये आया कैसे, ये आपको बताना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक, इस चैप्टर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 3 नंबर, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख खींचिए जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृश्य की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इसकी आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूरदर्शी और सूक्ष्मदर्शी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि नहीं है, देखिए बस यहीं पर हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है। मैंने आपको इस वीडियो में 12th फिजिक्स के जो चैप्टर 9 है किरण प्रकाश की, इसके सारे क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, बहुविकल्पीय, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। देखिए इतना अगर आप लोग तैयार कर लेंगे तो इस चैप्टर में कुछ खास पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो चीजें मैंने इसमें नहीं बताई हैं उसको भी पढ़िएगा और मैं भी पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लीजिएगा। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है, तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।